कि 5 मिलियन डाउनलोड्स करना है, नो 5 लाख डाउनलोड होंगे तो भी चलेगा, बट इट इज नॉट अ फॉर्मेट ऑफ कीप ऑन शेयरिंग कीप ऑन शेयरिंग कीप ऑन शेयरिंग, इट इज अ फॉर्मेट ऑफ शेयर इट, एजुकेट इट, अपग्रेड इट एंड देन लीड इट. अंडरस्टैंड इट? फिर से रिपीट करता हूं, द मजुमा फॉर्मेट, द फोर स्टेप ऑफ मजुमा इज ऑल अबाउट शेयर इट. अब दोबारा कीप ऑन शेयरिंग नहीं, शेयर इट मतलब वंस, द मोमेंट यू शेयर इट एजुकेट इट, जैसे ही वो एजुकेट हुआ अब उसको अपग्रेड करो, अब वो जब अपग्रेड हुआ तुम जाकर के लीड करो, और वो फॉर्मेट कैसा होगा मैं आपको आगे कुछ स्लाइड में सिखाऊंगा. डिड यू गेट दैट? कैन वी रिपीट अगेन? द स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट शेयर इट, सेकेंड इज एजुकेट इट, थर्ड इज अपग्रेड इट, एंड द फोर्थ स्टेप लीड इट. द मोमेंट यू लीड इट कम बैक अगेन शेयर इट, अगेन एजुकेट इट, अगेन अपग्रेड इट, गो बैक एंड लीड इट. द मोमेंट यू लीड इट कम बैक अगेन, नाउ अगेन यू शेयर इट. आपको समझ में आ रहा है? मगर अपना बाप रे बाप, पूरा AK-47 चला दिया, क्या किया ये, पूरा एकदम जनसंख्या ही बढ़ा दी पूरा. ट्राई टू अंडरस्टैंड माई डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट अबाउट जस्ट कीप ऑन शेयरिंग. मजुमा का सिंपल फॉर्मेट है, शेयर करने के बाद उसको एजुकेट करो, और उसको इस मामले में एजुकेट करो कि आप इस एडवर्टीजमेंट पैकेजेस को मार्केट में कैसे सेल करोगे. डोंट वरी, आई डू हैव द सॉल्यूशंस टुडे. लिंक डाउनलोड करते हैं, एक शब्द बोलने जा रहा हूं उसको लिख लेना इफ पॉसिबल. जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं, एक कंप्लीट वर्चुअल एफिलिएट मार्केटिंग ऑफिस, मैं रिपीट करता हूं, जैसे ही आप इस लिंक को डाउनलोड करते हैं, एक वर्चुअल एफिलिएट मार्केटिंग ऑफिस का पूरा टूल आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है. कन्नारी बातें, दो तीन शब्द को सिर्फ ऐड किया है लेकिन वजन बहुत बढ़िया बन गया. Yes. समझ रहे हैं आप? एक मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाना, इससे बेहतर हम ये बोल तो सकते हैं ना, और हम कोई झूठ नहीं बोल रहे. आपको करना क्या है, आपने कितना किया है, आपका अकाउंट क्या है, कितना पैसा दिया है, किसको रेफर किया है, वो कहाँ है, उसका नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, कितना पेमेंट ले चुके हो, कितना बाकी है, कौन से अकाउंट में लिया है, कितना आपने क्लिक किया है, कौन से क्लिक का कितना पैसा है. क्या ये ऑफिस नहीं है? क्या है कि नहीं है? यू हैव टू एक्सप्लेन, सबसे पहले उसके बारे में एक्सप्लेन करो, और यकीन मानना क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन देते नहीं सही तरीके से, इसीलिए आपका $20 भी उसको महंगा लगता है. एक बार एक्सप्लेनेशन दो तो सही, पागल हो जाओगे लोग, 10,000 के लिए भी आपको इतनी बार कॉल करेंगे. पहले उसको समझाओ तो सही कि इस टूल से उसको क्या बेनिफिट और फायदा मिलेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल द लॉजिक्स? राइट. सो दिस इज व्हाट अबाउट, कि जैसे ही आप उसको आप लिंक आप डाउनलोड करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन और आपको लॉग इन करना पड़ेगा, और इसके बाद आपके पास में एक पूरा वर्चुअल एफिलिएट मार्केटिंग ऑफिस का टूल आपके मोबाइल, आपके खुद के एंड्रॉइड या एप्पल मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, जिसके अंदर में ये सारे फीचर अवेलेबल है. सर जब ऐसे आप बताओगे ना, तब देखो, तब उसको $20 महंगा नहीं लगेगा. ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, और ये वही फीचर्स हैं सर जो मैं आपको स्टार्टिंग में एक इंफॉर्मेशन दे रहा था, जैसे पे पर क्लिक. मगर उसमें हमारे में फर्क यह है सर कि फेसबुक आपको पे पर क्लिक चार्ज करता है लेकिन देखने वाले को देता नहीं, हम यहां देते भी हैं. सेम विथ योर डाउनलोड एंड SEO एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. समझ मेरी बातें? अब आपको पुराने कई सारे खजानों में से चुन चुन के निकालो, और आप चुन चुन के उसको परोस सकते हो. अंडरस्टैंडिंग? अब उसको खिलाओ ना धीरे 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 धीरे, पहले पूरा बुफे सजा दिया, ये भी है वो भी है, वो भी है. अरे वेडिंग मतलब समझो, उसकी डेप्थ में जाओ, इसके गहराई को समझो. सो दिस इज व्हाट अबाउट द फीचर्स व्हाट वी डू हैव. एंड नाउ एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस है, जिन पैकेजेस को हम ऐसे ही जैसे मैं आपको रेफर कर रहा हूं, इसी तरीके से लोग भी रेफर करते हैं, और वी आर गेटिंग द एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस फ्रॉम द मार्केट. और इस एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस को हर मंडे को हम इसी वर्चुअल ऑफिस में पब्लिश करते हैं. शब्दों का थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा कॉर्पोरेट्स को ले इन्वॉल्वमेंट करो, बिजनेस मिलेगा यार. मैं फिर कह रहा हूं, कोई बड़ा एरर नहीं है, सिर्फ थोड़े से प्रॉब्लम है हमारे प्रेजेंटेशन में. अब आप समझो कितना ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन जा रहा है, कि सर जब हम मार्केट से कोई हमसे एडवर्टाइजमेंट पैकेज हमसे परचेज करता है, हम उस एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस को एवरी मंडे इसी मजुमा के वर्चुअल ऑफिस में पब्लिश करते हैं. गेटिंग इट? पहले का स्टेटमेंट क्या था? हर मंडे को एड आएगा सर, उसको देखने पर आपको $1 मिल जाता. क्या लग रहा था? अजीब टाइप. सो दिस इज कुड बी द वन ऑफ थिंग्स. एंड सर व्हाई वी आर पब्लिशिंग दिस एडवर्टाइजमेंट ऑन आवर एप्लीकेशन? बिकॉज टू क्रिएट अ कंज्यूमर बेस
फॉर यू एंड फॉर अस ऑल्सो. क्यों कर रहे हैं ये? जिसकी वजह से आपका कंज्यूमर बेस भी बने और हमारा भी खुद का. अंडरस्टैंडिंग इट? ये सारा चीज आपके वेबसाइट से लिया हुआ है, सिर्फ थॉट प्रोसेस चेंज करना है हमको. एंड नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो सर जैसे ही आपका ये वर्चुअल ऑफिस इंस्टॉल हो जाता है, आपके पास में तीन ऑप्शन आ जाएंगे और आप अपने कंपनी का कोई एप्लीकेशन, आप अपने कंपनी का कोई एडवर्टाइजमेंट या आप अपने कंपनी का कोई एक वेबसाइट आप इस मोबाइल में, जो कि बड़ा ही यूजर फ्रेंडली डिजाइन किया गया है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो, जो कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली डिजाइन किया गया है, जिसके लिए आपको टेक्निकली साउंड होना जरूरी नहीं है, उसको कंफर्टेबल जोन में लेके आओ, है ना? साइकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन है सर, राइट? तो सर जब आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट में आप अपने बिजनेस को हमारे थ्रू प्रमोशन देना स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है उसका एक सवाल आए जिसके लिए आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, और वो ये है कि आप लोग को पहले खुद समझना पड़ेगा कि मजुमा के अंदर में सिर्फ दो प्रोफाइल के लोग काम कर सकते हैं, और वो कौन है? प्रोफाइल नंबर वन, क्या आपका बिजनेस है, आप उसको ऑनलाइन लाना चाहते हैं? यस, यू कैन वर्क विद मजुमा. पैरामीटर नंबर टू, अगर आपका बिजनेस नहीं है, आप उसको ऑनलाइन लेके नहीं आ सकते, क्या आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं? आप मजुमा के साथ में काम कर सकते हैं. 100 का 200 बनाना चाहते हैं? सर मजुमा में नहीं, कोई और कंपनी में आपको सजेस्ट करता हूं. मेरी बात समझाई आप लोगों? इधर 100 का 200, 200 का 400 बनाना और न बनवाना, प्लीज ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है. बड़े मुश्किलों से किसी अच्छे, किसी सही, किसी नेक बंदे ने प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है, कुछ अच्छा हो जाएगा, यकीन मानो हो जाएगा. पूरी फीलिंग है, पूरे वाइब्रेशंस है, पूरी ताकत लगाए हुए हैं. यकीन मानना, मेरे घर वालों की मेरे को बहुत याद आती है, मैं नहीं जा पा रहा. मैं मेरे माँ बाप को, सब लोग को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा, क्योंकि वाकई में फील हो गया कि अब की बार कमाल हो जाएगा. यकीन मानो कुछ बेहतरीन हो जाएगा. लेकिन सब लोग प्लीज थोड़ा सपोर्ट कर दो, सब लोग साथ दे दो. और मैं तो कह रहा हूं काम में नहीं, कम से कम अपनी सोच से सोच तो मिला लो यार, इतना तो कम से कम कर लो. मत करो, तुम लोग को मेहनत करना है मत करो, सब हम लोग इतना सक्षम लोग कर लेंगे. सिर्फ थोड़ी सी सोच यार, अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर लो, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लो, निगेटिव टॉक्स करना बंद कर दो. मेरी बात समझा रही आप लोगों को? राइट? आप सब लोग मेरे से सीनियर हो सर, मैं आप लोगों को सिखाने नहीं आया, रिक्वेस्ट करने आया हूं. मैं किसी को यहाँ सिखाने नहीं आया, आप सब लोग अच्छे प्यारे भाई बहन हो, सब लोग मेरे से सीनियर हो यहाँ पे, सब लोग मेरे से एक्सपर्टाइज हो, सिर्फ कुछ चीजों को मैं रिक्वेस्ट करना. ग्लोबल प्रोवाइडर, वी आर द ग्लोबल प्रोवाइडर फॉर सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन. अब उसको पहले SEO समझाओ, 20 का एक 100 का 6 मत समझाओ, समझ रहे हो? प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत तकलीफ हो रही है हम लोगों को, इट टुक्स लॉट्स ऑफ पेन, राइट? प्लीज लेट्स रेक्टिफाई इट. क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, हमेशा 80-100 लोग उधर बैठे, हम में से कोई एक ही दो लोग यहाँ आ रहा है, तो अकेला करना मुश्किल है. सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा. सो द सेकंड थिंग इज ऑल अबाउट दैट सर, यू कैन यूज दिस मजुमा टूल बिकॉज वी आर द ग्लोबल लीडिंग प्रोवाइडर फॉर SEO. अब समझाओ उसको सर्च ऑप्शन क्या है. और SEO को समझाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अपने ट्रेनिंग्स में देता हूं, आप लोगों में से बहुत लोग पहली बार आए, दोबारा समझा देता हूं ये SEO काम कैसे करता है और हम क्या काम करते हैं, क्यों पूरी दुनिया आज इंटरनेट मार्केट पे लगातार भिड़ी हुई है, उसका कारण. अगेन आई वॉन्ट, कैन यू प्लीज असिस्ट मी विद द बेस्ट ब्रांड वॉच यू लाइक द मोस्ट? राकेश जी, कैन यू प्लीज असिस्ट मी विद द मोस्ट ब्रांडेड स्पोर्ट्स वेयर यू लाइक द मोस्ट? स्पोर्ट्स वेयर एडिडास. ओके, can you tell me this the best cosmetic brand you like the most? One more. Sir, which is the best brand in the jeans you like the most? Wrangler. Meri baat ko sunne ka aur samajhne ki koshish karna. The moment I asked to Ivan, can you please assist me with the best wristwatch, branded wristwatch you like the most? He replied with Rolex. Mera pehla sawal, kya pure duniya mein sirf Rolex hai? No. मैंने आपको पूछा, इन्होंने कहा द बेस्ट कॉस्मेटिक ब्रांडेड कॉस्मेटिक यू लाइक द मोस्ट, शी सेड लैक्मे, ही सेड एडिडास एंड ही सेड रैंगलर. क्या सिर्फ एडिडास, लैक्मे और रैंगलर ही अवेलेबल है क्या पूरी दुनिया में? अंडरस्टैंड द लॉजिक्स ऑफ सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन. गूगल ने इसी प्रोसेस को फॉलो किया है. एंड व्हाट इज दैट अबाउट? इट इज समथिंग कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ, जैसे ही मैंने आईवॉन की तरफ इशारा किया, पहली बात इसका माइंड एक्टिव हुआ कि मेरे से कुछ लोग पूछने वाले हैं. सेकंड पॉइंट, द मोमेंट आई आस्क्ड हिम, आईवॉन कैन यू प्लीज असिस्ट मी विद द बेस्ट
रिस्ट वॉच द बेस्ट यू कैन से रिस्ट वॉच बेस्ट रिस्ट वॉच ब्रांडेड यू लाइक द मोस्ट. द मोमेंट आई सेड रिस्ट वॉच, इसका मिलियंस ऑफ फाइल जो दिमाग में था उसमें से थाउजेंड्स ऑफ फाइल एक जगह पे आया रिस्ट वॉच वाला. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? साइकोलॉजिकल बेस पे आई वांट. यस. इनफैक्ट द मोमेंट आई सेड द बेस्ट, हजारों फाइल में से सौ फाइल रह गई जो बेस्ट वाली थी. एंड द मोमेंट आई सेड ब्रांडेड, उस सौ में से कुछ दस फाइल थी जो इसके दिमाग में रह गई. और उस माइक्रो सेकेंड में द मोमेंट आई सेड यू लाइक द मोस्ट, ही कम अप विद रोलेक्स. दिस मींस the number of click happened with him about the Rolex, Lakme and us and Wrangler is on the top on your mind. The reason behind, सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट देखा होगा इस बारे में, सबसे ज्यादा पोस्टर्स बैनर्स लोगों से बात की होगी. ड्रीम के बारे में बोलो तो सबसे पहली घड़ी वही पहनना होगा, किसी को देखा होगा, किसी के शोरूम में देखा होगा, किसी ब्रांडेड सुपरस्टार को देखा होगा. लैक्मे को आपने ज्यादा यूज किया होगा, उसमें सैटिस्फेक्शन आपको ज्यादा मिला होगा, किसी पार्लर में जाने में आपको मिला होगा. द सेम विथ यू, जब आपने कई सारे स्पोर्ट्स वेयर के बाद में एडिडास को पहना होगा, उसमें कंफर्टेबल रहना, उसका स्पोर्ट्स वेयरिंग, उसका डिजाइन, बहुत चीजें विद रैंगलर. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज कॉल्ड द सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस इन योर ब्रेन. जितनी बार आप किसी ब्रांड के बारे में सोचते हो उतनी बार वो क्लिक करता है आपके दिमाग में, और आपका दिमाग उन्हीं फाइल्स को फिल्टर करके उसी शब्द को लेकर के आता है जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा बार क्लिक हुआ हो. गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द वॉर हैपनिंग ऑन द गूगल. गूगल के अंदर में भी यही हो रहा है कि एक समय था कि अगर आपका बच्चा आठवीं या दसवीं पास था तो नौकरी मिल जाती, अगर आपका बेटा ट्वेल्थ क्वालिफाई है तो नौकरी मिल जाती, ग्रेजुएट है तो मिल जाती, पोस्ट ग्रेजुएट है शायद मिलेगी. अब ये नौबत आ गई है. एग्री? एक समय भी था कि आपका कहीं ना कहीं पे इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है, तभी नौकरी मिलेगी. आज मुद्दा एक रिज्यूम बनाने का नहीं है, आज मुद्दा यह है कि तुम्हारे बारे में गूगल कितनी बात कर सकता है. आर यू गेटिंग इट? यू बीइंग एज अ बिजनेसमैन, यू बीइंग एज अ जॉब सीकर, यू बीइंग इन द जॉब, यू बीइंग एन इन्वेस्टर, हूसोएवर यू आर, आप कोई भी हो, अगर आपका अस्तित्व गूगल में नहीं दिख रहा, सॉरी बॉस, यू कैन लूज अ बिग डील. आप शायद कोई दुनिया की बड़ी डील हासिल करने से सक्षम हो जाओ. सो नाउ दैट यू कैन टेल देम अबाउट कि सर ये वो टूल है जो आपका गूगल में प्रेजेंस बढ़ाता है. अंडरस्टैंडिंग इट? क्लियर हो रही मेरी बातें? कहां से अभी तक लग रहा है कोई नेटवर्किंग फॉर्मेट, अ प्योर एडवर्टाइजमेंट पैकेज? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चेंज हो रहा है हमारा, प्रेजेंटेशन मॉड्यूल चेंज हो रहा है, राइट? इन दिस वे यू हैव टू क्रिएट इट. मुझे पता है आप लोग में से कोई है जो बेस्ट बनाएगा, ये तो सिर्फ एक छोटा सा नॉर्मल आइडिया दे रहा हूं, बेस्ट कोई आप में से बनाएगा. Okay, this global provider, understand? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Now the third slide. Sir, what we do? अभी भी कोई 20 का